नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 29 सितंबर दिन रविवार। खबरों के उभरने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नेना ने एसओपी किया लागू, परियोजना रद्द करने से पहले सहमति होगी जरूरी। आवंटियों के हितों के उद्देश्य से लिया गया फैसला। उत्तर बिहार में मंडराया बाढ़ का खतरा। नेपाल में भारी बारिश से उफनाई बिहार की नदियां। लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की जा रही अपील। पैक्स चुनाव पर बड़ा अपडेट, सह सदस्य नहीं होंगे उम्मीदवार। अध्यक्ष की संपत्ति से 200 मीटर दूर बनेगा मतदान केंद्र। राजगीर में महिला एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का होगा आयोजन। बिहार में पहली बार हो रहे आयोजन को लेकर भव्य तैयारी। 11 से 20 नवंबर तक होगी प्रतियोगिता। प्रवासी मजदूरों और छात्रों की सुरक्षा के लिए नई पहल। प्रवासियों की समस्या का बिहार भवन में होगा समाधान। प्रवासियों के अधिकारों की रक्षा करने में मिलेगी मदद। बाढ़ से सुरक्षित रहने के लिए जानेंगे जरूरी टिप्स। आपदा प्रबंधन विभाग ने शेयर की जानकारी। मदद के लिए टोल फ्री नंबर और हेल्पलाइन नंबर भी हुआ जारी। टोल टैक्स कैसे होता है निर्धारित? क्या सभी सरकारी वाहनों को मिलती है टोल टैक्स में छूट? जाने किन वाहनों पर नहीं लगता है टैक्स? अब चले बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जूनियर असिस्टेंट के 29 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 9 अक्टूबर है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट www.ucms.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों को 12वीं पास होना जरूरी है। साथ ही उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। इस पद पर भर्ती हुए उम्मीदवारों को 19,000 रुपए से लेकर 63,200 रुपए तक सैलरी मिलेगी। भर्ती से संबंधित सटीक अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। हाल ही में एक नई मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी को बिहार रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा ने लागू किया है, जिसके तहत रियल एस्टेट परियोजना को रद्द करने से पहले आवंटियों की सहमति लेनी जरूरी होगी। जिनके लिए परियोजनाओं को बिना सहमति के रद्द करना अक्सर वित्तीय और मानसिक नुकसान का कारण बनता था, उन आवंटियों के हितों की सुरक्षा के उद्देश्य से ये फैसला राहत की खबर होगी। अब किसी भी परियोजना को रद्द करने से पहले प्रमोटर या भू मालिक को सार्वजनिक नोटिस जारी करना होगा, फिर आवंटियों को सुनवाई का अवसर रेरा की तरफ से दिया जाएगा। एक बार फिर से उत्तर बिहार में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। इसकी वजह है पड़ोसी देश नेपाल में होने वाली भारी बारिश। इस बारिश के कारण बिहार में कोसी, गंडक, कमला, बलान समेत गंगा और कई नदियां उफान पर हैं। भारी मात्रा में नेपाल से पानी छोड़ा गया है, जिस वजह से बिहार की ये नदियां उफनाई हुई हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की जा रही है। आपको बता दें कि बीते दिन कोसी में वीरपुर बैराज से करीब 5,49,500 क्यूसेक और वाल्मीकि नगर बैराज से गंडक नदी में 5,01,650 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। जल संसाधन के अधिकारी और अभियंता बढ़ते बाढ़ के खतरे के बीच हाई अलर्ट पर हैं। बाढ़ के कारण पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, अररिया, किशनगंज, गोपाल, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, सिवान, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और मधुबनी के 20 प्रखंडों के 140 ग्राम पंचायत बाढ़ से प्रभावित हैं। 11 से 20 नवंबर 2024 तक राजगीर की राजकीय खेल अकेडमी सह खेल परिसर में महिला एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 का आयोजन हो रहा है। बिहार में पहली बार होने वाले इस आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। बीते दिन नालंदा जिलाधिकारी शशांक शुभांकर और पुलिस अधीक्षक भारत सोने इस आयोजन की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने उच्च स्तरीय पदाधिकारियों के साथ स्थल का भी निरीक्षण किया। इस दौरान विधि व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन, यातायात नियंत्रण और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया गया। महिला एवं बाल विकास निगम ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया है जिससे घरेलू या किसी वजह की हिंसा से पीड़ित महिलाओं की मदद की जाएगी। इसके तहत पीड़िता हेल्पलाइन नंबर 181 पर कॉल करेंगी। 181 पर कॉल करते ही उनके जिले को ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया जाएगा और वो जिलों में चल रहे वन स्टॉप सेंटर से जुड़ जाएंगी और यहाँ उनका सीधा संपर्क सेंटर कर्मियों से होगा। पहले हेल्पलाइन नंबर पर
कॉल करने पर कॉल महिला एवं बाल विकास निगम के पास आते थे, फिर यहाँ के कर्मी उस कॉल को पीड़िता के जिले में ट्रांसफर करते थे, जिसमें काफी समय लगता था, लेकिन अब ये ऑटोमेटिक ही ट्रांसफर हो जाएंगे और पीड़िता महिला से तुरंत संपर्क किया जा सकेगा। इसके लिए सेंटर के कर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। भारत में सभी वाहन चालकों को टोल टैक्स चुकाना होता है, जिसमें सरकारी वाहन भी शामिल है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार टोल टैक्स वाहन के प्रकार और दूरी के आधार पर निर्धारित किया जाता है। हालांकि कुछ सरकारी वाहनों को टोल टैक्स में छूट मिलती है, जैसे पुलिस एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, सरकारी बसें और डिफेंस फोर्स के वाहन। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों, संसद सदस्यों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी टोल टैक्स में छूट दी जाती है। हालांकि सभी सरकारी वाहनों को टोल टैक्स में छूट नहीं मिलती है, बल्कि केवल कुछ विशेष वाहनों को ही ये लाभ प्राप्त होता है। आपदा प्रबंधन विभाग ने बाढ़ से सुरक्षित रहने के लिए कुछ जरूरी जानकारी साझा की है। विभाग द्वारा कहा गया है कि बाढ़ के पानी में ड्राइव ना करें, बाढ़ के पानी में जाने से बचें और यदि विपरीत परिस्थिति में जाना पड़े तो जूते पहनकर जाएं। बिजली के खंभों और गिरे या टूटे हुए बिजली के तारों से बचकर रहें। ताजा पका हुआ या सूखा खाना ही खाएं। खाने को ढककर रखें, पानी उबालकर या क्लोरीन डालकर पिएं। बाढ़ के बाद क्षतिग्रस्त बिजली उपकरणों के प्रयोग से पहले उनकी जांच करवा लें। मलेरिया या डेंगू से बचने के लिए मच्छरदानी लगाएं। पानी की पाइप या सीवर में टूट फूट हो तो शौचालय या नल के पानी का उपयोग ना करें। किसी भी सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1070 पर कॉल करें या हेल्पलाइन नंबर 0612-229-4204 या 205 पर कॉल करें। बिहार में पैक्स चुनाव 25 नवंबर से 5 दिसंबर तक होंगे। इस चुनाव में सह सदस्यीय उम्मीदवार नहीं बनेंगे, लेकिन वे प्रस्तावक बन सकते हैं और मताधिकार का उपयोग कर सकते हैं। राज्य में 8,463 पैक्स हैं, जिनमें 1.45 करोड़ सदस्य और करीब 50,000 सह सदस्य हैं। पैक्स के सदस्यों को ₹11 जमा करना होता है, जबकि सह सदस्यों को केवल ₹1 का शुल्क देना होता है। पैक्स चुनाव में केवल सदस्य ही चुनाव लड़ सकते हैं। मतदान केंद्र पैक्स अध्यक्ष की संपत्ति से 200 मीटर दूर बनाए जाएंगे और इसके लिए उप विकास आयुक्त जिम्मेदार होंगे, लेकिन अंतिम निर्णय जिलाधिकारी लेंगे। बिहार के सरकारी स्कूलों में आधार कार्ड की अनिवार्यता कर दी गई है। इसके कारण लगभग 25 लाख बच्चे सरकारी योजनाओं से वंचित हो सकते हैं। इस नियम के चलते कई अभिभावक अपने बच्चों का नामांकन नहीं करवा पा रहे हैं, जिससे साइकिल, पोशाक और स्कॉलरशिप जैसी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। शिक्षा विभाग ने आधार कार्ड बनवाने का अंतिम मौका दिया है, लेकिन जागरूकता की कमी और आवश्यक दस्तावेजों की अनुपलब्धता समस्या बढ़ा रही है। कुछ अभिभावक फीस का भुगतान करने में असमर्थ है। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाना, मोबाइल वैन के जरिए आधार कार्ड बनवाने की सुविधा प्रदान करना और गरीबों के लिए शुल्क में छूट देने की जरूरत है। अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो लाखों बच्चे सरकारी योजनाओं से वंचित रह जाएंगे। बिहार सरकार ने प्रवासी बिहारी मजदूरों और छात्रों की सुरक्षा के लिए नई पहल की है। श्रम संसाधन विभाग ने निर्णय लिया है कि बिहार भवन दिल्ली में 24 घंटे तक विशेष सेल कार्य करेगा, जिससे प्रवासियों की समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा। वर्तमान में बिहार से 45,78,000 लोग विभिन्न राज्यों में काम कर रहे हैं और 5.52 लाख छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। इस सेल के तहत सहायक श्रमायुक्त और उप श्रमायुक्त के नए पद बनाए गए हैं, जो प्रवासियों की सहायता करेंगे। इसके अलावा एक सार्वजनिक टेलीफोन नंबर जारी किया जाएगा, ताकि शिकायतें तुरंत सुनी जा सके। इस पहल से प्रवासियों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा में मदद मिलेगी। बिहार सरकार ने भूमि सर्वेक्षण अभियान शुरू किया है, जिसे 2025 विधानसभा चुनाव से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि रैयतों में कागजात निकालने में भारी कठिनाई और भ्रम की स्थिति बनी हुई है, जिससे सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ रहा है। इस स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया है कि रैयतों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, उन्हें दस्तावेज अपलोड करने के लिए अतिरिक्त समय देने की बात कही गई है। बैठक में ये भी निर्देशित किया गया है कि भूमि सर्वेक्षण, म्यूटेशन और अभिलेखों को समांतर तरीके से दुरुस्त किया जाए। इसके साथ ही सर्वेक्षण कार्य की व्यापक जानकारी का प्रचार प्रसार सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।
बिहार में त्योहारों के दौरान महिला उद्योग संघ द्वारा 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ज्ञान भवन में वार्षिक दशहरा मेला आयोजित किया जा रहा है। बीते दिन इस मेले का उद्घाटन केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने किया। मेले में विभिन्न राज्यों के 220 स्टॉल लगाए जाएंगे, जिसमें सिल्क, हैंडलूम, ज्वेलरी, सत्तू, पापड़ और मिथिला पेंटिंग जैसे उत्पाद प्रदर्शित होंगे। मेले का थीम विमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी रखा गया है, जो महिला उद्यमियों को एक मंच प्रदान करता है। स्टॉल पर महिलाएं सस्ते दामों में खूबसूरत एथनिक वेयर और एक्सेसरीज खरीद सकती हैं। ये मेला विशेष रूप से महिला उद्यमियों के लिए बनाया गया है, ताकि वे अपने उत्पादों को बढ़ावा दे सकें। व्हाट्सएप पर यूजर्स बिना फोन नंबर सेव किए भी मैसेज कर सकते हैं। इसके लिए व्हाट्सएप ऐप में न्यू चैट बटन पर टैप करके नंबर कॉपी करना होगा और टेक्स्ट बॉक्स में जाकर पेस्ट करना होगा। अगर नंबर व्हाट्सएप पर है तो आप चैट कर सकते हैं। इस आसान तरीके से आप आसानी से बिना नंबर सेव किए व्हाट्सएप पर किसी से भी बात कर सकते हैं। अब सरकारी सेवाएं घर बैठे मोबाइल ऐप्स के जरिए उपलब्ध है, जिससे सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं रही। यहां 5 महत्वपूर्ण सरकारी ऐप्स आज हम आपको बताएंगे, जो हर स्मार्टफोन में होने चाहिए। इसमें सबसे पहले है उमंग ऐप। यहां केंद्र और राज्य सरकार की सेवाएं जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट और ट्रेन टिकट बुकिंग की एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलती है। इसके बाद है डिजी लॉकर ऐप, जहां जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे वोटर आईडी कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस को सुरक्षित रखने के लिए डिजिटल लॉकर है। वही एम पासपोर्ट सेवा, जहां पासपोर्ट से जुड़ी सभी सेवाएं ऑनलाइन, जैसे अपॉइंटमेंट बुकिंग और स्टेटस चेक करना। उसके बाद है एम पासपोर्ट सेवा, जहां पासपोर्ट से जुड़ी सभी सेवाएं ऑनलाइन, जैसे अपॉइंटमेंट बुकिंग करना और स्टेटस चेक करना जैसी सुविधा मिलेगी। फिर है एम परिवहन, जहां वाहन के दस्तावेजों की जानकारी, वर्चुअल आरसी और डीएल जैसे सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। एम आधार, जहां आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, एड्रेस अपडेट और वेरिफिकेशन की सुविधाएं भी मिलती हैं। इन ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इंटरनेशनल विमानों की नियमित उड़ान बिहार के गया एयरपोर्ट से 10 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। यानी पितृपक्ष के खत्म होते ही गया विदेशी पर्यटकों से गुलजार होगा, जिससे गया एयरपोर्ट व्यस्त रहेगा। इंटरनेशनल विमानों की नियमित आवाजाही से बोध गया में विदेशी पर्यटकों की अच्छी खासी संख्या देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि थाई एयर एशिया की उड़ान 10 अक्टूबर से शुरू हो रही है। म्यांमार इंटरनेशनल एयरलाइंस 16 अक्टूबर से, म्यांमार एयरवेज इंटरनेशनल 30 अक्टूबर से, जक एयरवेज 2 दिसंबर से और भूटान एयरलाइंस 16 नवम्बर से शुरू की जाएगी। बिहार इंटर स्कूली स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के रजिस्ट्रेशन की तारीख को बढ़ा दिया गया है। अब इसकी आखिरी तारीख 10 अक्टूबर है। इच्छुक खिलाड़ी UNIB ऐप पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको UNIB ऐप में अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करना होगा। वहां ई स्पोर्ट्स टाइटल अंडर ई स्पोर्ट्स कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा। फिर आगे की प्रक्रिया पूरी करने के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके उसे सबमिट करना होगा। IPID बिहार द्वारा ये जानकारी शेयर की गई। भूमि सर्वेक्षण के बीच जमाबंदी रैयत को लेकर पटना हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि जिस जमीन पर रैयत की जमाबंदी कायम है, उस पर बिहार लोक भूमि अतिक्रमण कानून के तहत मुकदमा चलाना कानूनन गलत है। हाईकोर्ट के जस्टिस मोहित कुमार शाह की एकल पीठ द्वारा ये फैसला सुनाया गया है। अदालत के इस फैसले के बाद प्रदेश सरकार को बड़ा झटका लगा है। वकील ने बताया था कि याचिकाकर्ता की जमीन खतियानी है, उसके पूर्वज के नाम से जमीन की जमाबंदी कायम है, बिहार सरकार जमीन का लगान भी वसूलती है, तो ये जमीन सरकारी कैसे हो सकती है। बिहार में एक बार फिर लगातार हो रही बारिश से जनजीवन बेहाल हो चुका है। प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग लगातार इससे लेकर चेतावनी जारी कर रहा। आज भी प्रदेश में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज में एक या दो स्थानों पर बहुत भारी वर्षा को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा गोपालगंज, सिवान, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा और कटिहार जिले में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री रहने की बात कही गई है। बिहार में लगातार शराब तस्करी का मामला सामने आ रहा है।
अब एक बार फिर पटना सिटी के माल सलामी थाना क्षेत्र से पुलिस ने अंग्रेजी शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस ने समकालीन अभियान के तहत इस मामले में 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। इन सभी का आपराधिक इतिहास भी है। ये तस्कर टेम्पो और स्कूटी से शराब की तस्करी कर रहे थे, इसकी जानकारी थाना अध्यक्ष राजकुमार सिंह ने दी है। उन्होंने बताया है कि लोगों से पूछताछ में पता चला कि ये राजेंद्र नगर स्टेशन से शराब को लाकर होम डिलीवरी करते थे, जिसमें 112 लीटर अंग्रेजी शराब को पकड़ा गया। इस दौरान सीएनजी टेम्पो, स्कूटी और 3 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। भारत में डेंगू के खिलाफ विकसित की जा रही वैक्सीन का 3रा फेज ट्रायल शुरू हो गया है, जिससे इस बीमारी के प्रकोप को कम करने की उम्मीद है। पेनेसिया बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा बनाए गए इस वैक्सीन का परीक्षण देश भर के 19 सेंटरों पर किया जाएगा, जिसमें दिल्ली का RML अस्पताल भी शामिल है। यहां 545 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। पिछले साल की तुलना में इस बार डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। बिहार में भी कई डेंगू के मामले देखने को मिल रहे हैं। यदि ट्रायल सफल रहा तो ये भारत में डेंगू से सुरक्षा के लिए एक ऐतिहासिक कदम होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समीक्षा बैठक के अगले दिन RJD प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने स्मार्ट बिजली मीटर पर 13 सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि जनता स्मार्ट मीटर से असंतुष्ट है और बिजली बिलों में अनियमितताओं की ओर इशारा किया। जगदानंद ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया कि उन्होंने संवेदनशीलता खो दी है, जिससे खेती प्रभावित हो रही है। उन्होंने स्मार्ट मीटर योजना में सरकारी अधिकारियों के मिली भगत का आरोप भी लगाते हुए कहा कि इस योजना के तहत अवैध वसूली हो रही है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बबलू प्रकाश ने भी स्मार्ट मीटर के नाम पर काली कमाई का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बड़े नेताओं के घरों में जानबूझकर मीटर लगाने में लापरवाही बरती जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने दिल्ली की अदालत में दावा किया है कि राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार ने भारतीय रेलवे में नौकरियों के बदले अवैध रूप से जमीन लाभ अर्जित किया है। ED के अनुसार जब लालू यादव रेल मंत्री थे, उन्होंने जमीन मालिकों को रेलवे में नौकरी का वादा कर कम दाम पर जमीन बेचने के लिए राजी किया। जांच में पता चला कि कई भूखंड राबड़ी देवी से जुड़े थे और इन सौदों में लालू के सहयोगी भोला यादव मुख्य सूत्रधार थे। ED ने आरोप लगाया कि संपत्तियों को दूर के रिश्तेदारों से उपहार के रूप में दिखाया गया, जबकि मिसा भारती ने इन लोगों को जानने से इनकार कर दिया है। मामला 2004 से 2009 के बीच की ग्रुप डी नियुक्तियों से संबंधित। हार्दिक पांड्या बीते 2 महीने से क्रिकेट से दूर हैं, लेकिन अब जल्द ही वे बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में खेलते दिखाई देंगे। इसके लिए वो लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस के कई वीडियो भी सामने आए हैं, जिसे देखकर उनके टेस्ट क्रिकेट में वापसी की अटकलें तेज हो चुकी हैं, क्योंकि इस वीडियो में भी रेड बॉल से प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसे लेकर पूर्व कीपर पार्थिव पटेल ने सच्चाई बताई है। उन्होंने कहा है कि हार्दिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वापसी नहीं कर रहे, वे रेड बॉल से प्रैक्टिस कर रहे थे क्योंकि उस समय लिमिटेड ओवर्स वाली सफेद गेंद उपलब्ध नहीं थी। इसके अलावा आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच कानपुर में टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच खेला जा रहा है। ये मुकाबला मैच के दूसरे दिन शनिवार को बारिश की वजह से नहीं खेला जा सकता। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1836 में मद्रास चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना हुई थी। आज के दिन वर्ष 1959 में आरती साहा ने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था। आज के दिन वर्ष 1962 में कोलकाता में बिरला तारा मंडल खुला था। आज के दिन वर्ष 1947 में SH कपारिया का जन्म हुआ था। ये भारत के 38वें मुख्य न्यायाधीश थे। आज के दिन वर्ष 1944 में गोपाल सेन का निधन हुआ था। ये एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। एक फर्जी मैसेज में PM योजना के तहत आधार कार्ड से 2% सालाना ब्याज पर लोन दिए जाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि ये दावा पूरी तरह से फर्जी है। इस तरह के मैसेज को शेयर करने से बचें, किसी से भी अपनी निजी जानकारी शेयर ना करें, वरना आपको वित्तीय नुकसान हो सकता है। PIB फैक्ट चेक ने भी इस खबर को फर्जी बताया है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसका जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है, यह हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में भारत के धनुष लोकनाथन ने IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए स्वर्ण, ऑप्शन बी रजत, ऑप्शन सी कांस्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है कांस्य।
हाल ही में विश्व गेंडा दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है 21 सितंबर, ऑप्शन बी है 20 सितंबर, ऑप्शन सी है 22 सितंबर, ऑप्शन डी है 19 सितंबर। इसका सही उत्तर है 22 सितंबर। बिहार में कितने मंडल हैं? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 11। इसका सही उत्तर है 9। मध्यकाल में किसके शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में प्रभाव था? ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी है शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है बलबर। इसका सही उत्तर है शेरशाह सूरी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जिनके नाम है मोतीलाल कुमार, बिंदास शर्मा, पिंटू कुमार, नुन्नू गोलू कुमार, राजीव कुमार, रामनवमी मांझी, उमेश यादव, प्रमोद राम, वीरेंद्र कुमार, अतीक खान, सुभाष प्रसाद, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, सुहाना अली खान, राजा कुमार, अंशु कुमारी, श्याम नंदन चौधरी। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल को रात का सवाल है। क्या आपके क्षेत्र में भी बाढ़ की स्थिति बन रही है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।